हेलो एवरीवन, फोरम एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2024 वालों के लिए काउंसलिंग को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे, सर क्या हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है क्या? तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट टाइम पे आपका काउंसलिंग ना होना ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगर NTA चुपके से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट करवा देता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है, जैसे रिजल्ट उन्होंने चुपके से डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पर देखो, हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया है काउंसलिंग को लेके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी खुशी इसी में है कि प्रेजेंट टाइम पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट ना हो, क्योंकि NTA तो यही चाहता है कि तुरंत यहाँ पे काउंसलिंग को शुरू कर दिया जाए। लेकिन अगर काउंसलिंग आपका शुरू हो जाता है किसी कारणवश, तो फिर अभी जो आप चाहते हैं कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, रिजल्ट दोबारा से आना चाहिए, उसमें बाधा आ सकती है। इसीलिए उसी की बात इसी में रहेगी, आपके लिए गुड न्यूज़ इसी में रहेगी कि यहाँ पर आपका काउंसलिंग स्टार्ट ना हो। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट आया है काउंसलिंग को लेके। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, काउंसलिंग रोकने को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में याचिका। तो याचिका स्वीकार कर ली गई है, जैसा कि मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे विद्यार्थी और शिक्षक काफ़ी ज़्यादा विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पे काउंसलिंग पे रोक लगा दी गई है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि पहले सभी को डर था कि NTA ने जैसे अचानक से रिजल्ट जारी किया तो अचानक से अगर काउंसलिंग शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा, फिर रीनीट कराना बहुत ही मुश्किल होगा और दोबारा से रिजल्ट घोषित करना और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो बेहद खुशी की बात है कि कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, अब आपकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। बाकी लाइक बनता है इस बात पर, कोर्ट हमारे साथ है, काफ़ी सारे अभिभावक शिक्षकों का साथ है, रिट्वीट कैंपेन हमने चलाया, कमेंट करके आप हमेशा हमको बताया करो ताकि आपकी डिमांड हमको पता लगे।